काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि मैं भी एक रिएक्शन वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस वीडियो पे रिएक्ट करूं। तो फिर मुझे एक मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया एक सॉन्ग, और बोल रहा था कि बहुत अच्छा सॉन्ग है, कि एक बार तुझे उस पे रिएक्ट करना चाहिए। सो ये मेरा फर्स्ट रिएक्शन वीडियो है। सो पहले सीधा सॉन्ग पे चलते हैं और सॉन्ग देखते हैं कैसा है, और उसके बाद देखते हैं। ये डीनो जेम्स का सॉन्ग हाँ हेलो। है। प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना, पता नहीं क्या हो गया है। बताओ क्या प्रॉब्लम है। पता नहीं क्या हो जाता है इसके इतना बार। लिरिक्स जो होते हैं ना, डोंट इसके वरी, डोंट सिंगर वरी। के, इस रैपर के, मतलब सुनने वाले होते हैं। लिरिक्स जरूर सुनना आपने ध्यान अच्छा से। मैं क्या कह रही थी, एक मोटिवेशनल सॉन्ग अवेंजर्स है ये। देखी है? बहुत अच्छी फिल्म। मेरे पास ना 2 टिकट्स थी उसकी। वैसे इस वीकेंड पे तुम क्या कर रहे हो? लाइन मार रही कुछ है तो लाइन। हेल्प कर दे यार मेरी। किसके चक्कर में क्यों पड़ रही है? बोल दे डायरेक्टली तेरी लाइफ, तू तो जानती है ना उसे। आई एम रियली नर्वस यार। यार टारगेट के नाम पे तो ले रखी है आजकल बहुत। तेरा हुआ क्या? हाँ वो आगे से ओटीसी लड़की बैठी ना राइट में। बुरा लगा उसको। अनस्टॉपेबल। टाइप से आ गया था वो तंग, हार के बज रहे थे शंग, सब कुछ हो गया था भसम, सब जानते थे ही इज डन। सपने यूं हुए थे डम के, खुद पे आती थी शर्म, काश थोड़ा दम दिखाया होता मैंने कम से कम। हंसते हैं पड़ोस और हंसते हैं सारे दोस्त, मनाता है अफसोस किस्मत को कोसे साला रोज। गलती नहीं थी आई सपोज, डैड का ही था सारा दोष, पर असलियत क्या थी ही नोस की, कमजोर था वो अफकोर्स। आगे सब कुछ है कठिन, टाइम ने दिया था ये हिंट गरा। मतलब जो वीडियो देखने में आ रहा है तो उससे तो यही समझ में आ रहा है कि वो जो एक लड़के को पसंद करती है काफी, लेकिन वो उसी को मतलब मजाक बनाता है उसको, कोई मोटी सी लड़की है बैठी है ये वो। तो वो अब एक जिम में आई है ताकि अपने आप को कुछ इम्प्रूव कर सके, किसी के लिए ना कि खुद के लिए, किसी को दिखाने के लिए। सबके साथ होता ही है, होता है ना। इंसान होता टू विन, हर कोई होता शाहरुख सचिन, इंतजार था शायद एक दिन आएगा अलादीन का कोई जिन, कहेगा जागो नींद से किंग, ये रहा प्लेन में आपका ड्रीम। वो जानता है वो कर सकता है और उसे बेहतर, पर गिर जाने के डर से नहीं खोल पा रहा है वो पर। क्यों ढूंढा है तू बाहर साले कोई भी आंसर, जवाब तितर बितर पड़े सारे तेरे ही भीतर। जरा सा तुझ में दम तो उठा कदम, भले ना रहे कोई संग, कौन है लोग ये जो ये बोलते, दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। बस इतना जान ले के अब काम के है तेरे आंसू और ये दर्द, उन्हीं से तू चला है इस रास्ते और बना अनस्टॉपेबल। जिंदगी में प्रेशर कम नहीं होगा मेरे भाई, बड़ा सपनों का साइज तो बड़ा प्राइस, सैक्रिफाइस। मत ले तू सबकी राय, कोई नहीं चाहता है भलाई, करता चल लेफ्ट एंड राइट, जस्ट डोंट वेट फॉर परफेक्ट टाइम। जो जंगल में नियम है वैसी ये सब आज भी, जो लड़ेगा वो बढ़ेगा जानवर या आदमी। नजरे हो बासी और ताकत हो बाक्सी, खाता है मांस ही पर समय पर घास भी। कैसे भूल गया लूजर कहकर उसने किया था खत्म, और छत से ऑलमोस्ट करने ही तू वाला तना जम। वो ज्यादा जल्दी नहीं भर गए छोटे तेरे जख्म, या नहीं है तुझ में दम, या फिर बड़ा तू बेशरम। तुझे आइडिया नहीं क्या कर सकता है छोटे तेरा फेथ, जब आँख खुली तो मॉर्निंग है, यू नेवर एवर लेट। करता जा तू मिस्टेक पर भरता जा सारे पेज सारे आंसू। मतलब ये बहुत बार होता है, बहुत बार होता है कि लाइक हम एक पर्सन के लिए खुद को चेंज कर रहे हैं, खुद को उसके केपेबल बना रहे हैं, लेकिन वो पर्सन हमसे दूर जाते चला जाता है, चला जाता है, और हमसे मतलब एकदम से दूर ही हो जाता है पूरी तरह से। अब ये लड़की मतलब जैसा कि वीडियो में दिख रहा है कि वो उसके लिए खुद को चेंज कर रही है, लेकिन उसके बीच में वो शादी कर लेता है। मतलब जो भी है, हमारी लाइफ में भी कभी बार, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हम एक उद्देश्य लेते हैं, उद्देश्य मोटो कह लो या गोल कह लो,
और उस गोल के लिए हम लोग तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन करते 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 हम लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो गोल ही गायब हो जाता है। और फिर कैसा लगता है, इतना बुरा लगता है कि फिर जो हम कर रहे होते हैं, जिस हम अपने आप में अगर कुछ चेंजेस ला रहे हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट कर भी रहे हैं, तो हम उसको भी बीच में छोड़ देते हैं कि उसका फायदा ही नहीं लगता कि हम लोग क्यों कर रहे हैं ये चीज़, क्योंकि वो दिख नहीं रहा। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो छोटे छोटे स्टेप हैं इनको गोल नहीं बनाना चाहिए, कि हम इन स्टेप को, अगर वो स्टेप हमें दिख नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे हमारी मंजिल ही नहीं है, मंजिल की तरफ हमें बढ़ते रहना चाहिए। और देखते हैं अब ये आगे क्या करती है। हिसाब है साले कुछ नहीं होगा वेस्ट, खुद ही हो कदर तो खुद ही हो जाए गदर, अब ना होगा सबर वहाँ पर खुद ही है कबर, आज करना है अभी डू और डाई, नेवर नेवर मदद सामने खड़ी है गधे, लुक इन टू द मिरर, जरा सा तुझ में दम तो उठा कदम, भले ना रहे कोई संग, कौन है वे लोग ये जो ये बोलते, दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल, बस इतना जान ले के अब काम के है तेरे आंसू और ये डर, उन्हीं से तू चला है इस रास्ते और बना अनस्टॉपेबल। मैं भी चाह रहा हूँ मुझे प्लीज दे दो ना महंगी बाइक, मैं कुछ भी नहीं कमाता हूँ, विल यू बी माय वाइफ, किसी को नहीं जानना कितनी सैड है तेरी लाइफ, या सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट ही बस चलते हैं मेरे भाई, पर नियम मिडिल। मतलब लिरिक्स जो है ना, मतलब अगर आप ध्यान से सुनोगे ना, बहुत ही जबरदस्त लिरिक्स है। ये जो भी लाइन बोली है, मैं बेचारा हूँ, दोबारा सुनते हैं। चला है इस रास्ते अनस्टॉपेबल, मैं बेचारा हूँ मुझे प्लीज दे दो ना महंगी बाइक, मैं कुछ भी नहीं कमाता हूँ, विल यू बी माय वाइफ, किसी को नहीं जानना कितनी सैड है तेरी लाइफ, या सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट ही बस चलते हैं मेरे भाई, पर नहीं है मिडिल क्लास है या फिर फैमिली गरीब है, आईक्यू तेरा वीक है या फिर दमे का मरीज है, इस ओके मोजे में छेद है या फिर फटी हुई कमीज है, तू मोटा है या काला है या दिखने में अजीब है, परेशान पर माँ से कहता है माँ यहाँ पे सब कुछ ठीक है, सब ट्रेनिंग का पार्ट है पगले सब ये साली सीख है, मत समझना नसीब है सब टेम्पररी तकलीफ है, कोई रोक नहीं पाएगा छोटे जब तक जिंदा ये बिलीफ है, थोड़ा कम कलू मैं पर जिद भी आज कलू, मैं ही थी समस्या अब मैं ही सारा हलू, हारने में अब बलू मैं तभी तो अब सफल हूँ, मत करना तुम तकल्लुफ मैं अब अनस्टॉपेबल हूँ। खड़ खड़ सपने खड़काए, फड़ फड़ दिल पर भड़काए, ढूंढे कुछ कर जाने के रास्ते, की बातें सब फर्जी, सपनों की है खुद गर्जी, जीते हैं उन लम्हों के वास्ते, जरा सा तुझ में दम तो उठा कदम, भले ना रहे कोई संग, कौन है वे लोग ये जो ये बोलते, दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल, बस इतना जान ले के अब काम के है तेरे आंसू और ये दर्द, उन्हीं से तू चला है इस रास्ते और बना अनस्टॉपेबल। भाई साहब, मजा आ गया गाइस। मतलब ये वीडियो आप लोग एक बार जरूर सुनना दोबारा, मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। एक मोटिवेशन वीडियो है, लेकिन इसमें जो दिखाया है कि हमें खुद में चेंज लाना जरूरी है, लेकिन किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए।